हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास फर्स्ट की मैरीगोल्ड का चैप्टर नंबर 5, मैरी गो राउंड। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? मैरी गो राउंड। ठीक है, आज हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ साथ पहले आप लोग इस चैप्टर को पढ़ना, ठीक है, और फिर हम लोग इसका हिंदी मतलब समझेंगे। ठीक है, जैसा कि हम अपनी हर एक वीडियो में करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। आई क्लाइम्ब्ड अप ऑन द मेरी गो राउंड एंड आई वेंट अराउंड एंड राउंड। आई क्लाइम्ब्ड अप ऑन द मेरी गो राउंड एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड। ठीक है, आई क्लाइम्ब्ड अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स एंड इट वेंट अप एंड डाउन। फिर क्या है? अराउंड एंड राउंड, अराउंड एंड राउंड एंड अप एंड डाउन, अराउंड एंड राउंड एंड अप एंड डाउन। ठीक है, आई सेट हाई अप, आई सेट हाई अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स एंड रोड अराउंड ऑन द मेरी गो राउंड एंड रोड अराउंड। ठीक है, फिर क्या है? ऑन द मेरी गो राउंड आई रोड अराउंड। फिर ऑन द मेरी गो राउंड अराउंड एंड राउंड एंड राउंड, है ना। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा दो वर्ड्स का यूज़ हुआ है, दो शब्दों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा गया है इस चैप्टर में। एक यहाँ पे है राउंड और एक यहाँ पर क्या है हमारा अराउंड। ये दो वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं इस वाले हमारे चैप्टर में। देखो बच्चों, राउंड का मतलब क्या होता है? गोल, है ना। राउंड का मतलब क्या होता है? गोल। ठीक है, लेकिन जो अराउंड है, अराउंड का मतलब क्या होता है? आसपास। दो, देखो दो शब्द हैं, एक यहाँ पर क्या है? राउंड। राउंड का मतलब क्या है? गोल गोल, ऐसे उसके गोल गोल, राउंड राउंड, है ना। आप लोग किसी भी चीज़ के चक्कर लगाते हो तो चक्कर लगाना, राउंड 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 घूमना। और दूसरा क्या है? अराउंड। अराउंड का मतलब क्या है? आसपास। अराउंड का मतलब क्या है? आसपास। ठीक है, यहाँ देखो हमने क्या देखा, यहाँ पे दो मतलब थे, दो वर्ड सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज हुए हैं। एक है राउंड, गोल गोल, और अराउंड है पास पास। अब देखो, अब पढ़ते हैं। आई क्लाइम्ब, क्लाइम्ब का मतलब क्या होता है? कूदना। क्लाइम्ब का मतलब क्या होता है? कूदना। ठीक है, तो मैं कूदी, यहाँ पे देखो ये बच्ची है, ये बच्ची बता रही है ये सारा कुछ। आई क्लाइम्ब, मैं कूदी अप ऊपर, ठीक है, अप ऊपर ऑन दी मैरी गो राउंड। भाई ये मैरी गो राउंड क्या है मैम? मैरी गो राउंड इस टाइप का एक झूला होता है। देखो इस टाइप का झूला होता है, आप लोग कभी पार्क वगैरह जाते हो या किसी एडवेंचर पार्क वगैरह गए होंगे, तो जो बच्चों वाला जो झूला होता है ना, उसमें ये वाला मैरी गो राउंड जरूर होता है। उसमें ऐसे ऊपर से ऐसे होता है, उसमें ऐसे बहुत सारे डंडे लगे होते हैं, ऐसे पाइप लगे होते हैं, कई सारे होते हैं ये। ठीक है, और सब में ही जो है, किसी में हॉर्स होता है, मान लो ऐसे होता है जिसमें किसी में हॉर्स होता है, किसी में एनिमल्स होते हैं, मतलब जो हमारा एलिफेंट है वो होता है, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हॉर्स वाला है, ये एक बड़ा सा हॉर्स है, ब्राउन कलर का हॉर्स है, तो ये बच्ची इस पर जो है ऐसे घूमती है। अब देखो क्या बोल रही है बच्ची, आई क्लाइम्ब्ड अप, मैं कूदी ऊपर ऑन द मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड क्या है? झूला है। ठीक है, तो मैं कूदी ऊपर, मैं ऊपर कूदी इस मेरी गो राउंड झूले के, एंड इट वेंट, और ये चला, और एंड और ये चला राउंड एंड राउंड, और ये गोल 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 चला, है ना, गोल 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 घूमता है ना ये। तो आई क्लाइम्ब्ड अप ऑन द मेरी गो राउंड एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड। मैं मेरी गो राउंड पे के ऊपर चढ़ी, ऊपर कूदी, और ये गोल गोल घूमा। ठीक है, फिर आई क्लाइम्ब्ड अप, मैं कूदी किसके ऊपर? किसके ऊपर? ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स, एक ये बड़ा सा ब्राउन हॉर्स, मैं इसके ऊपर कूदी, बड़ा सा
बिग ब्राउन हॉर्स, मैं इसके ऊपर कूदी एंड इट वेंट, और ये कैसे चला? अप एंड डाउन। देखो क्या होता है कि ये जो पाइप है ना, ये पाइप ऐसे गोल 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 घूमता है, जो को जो ये वाला पाइप है, ठीक है, ये वाला पाइप इससे कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये ऐसे गोल 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 घूमता है, लेकिन जो ये हॉर्स है ना, ये ऐसे ऊपर नीचे भी हल्का हल्का होता रहता है, सिर्फ ताकि बच्चों को ऐसे गोल गोल घूम के चक्कर ना आ जाए, है ना, ताकि जो हल्का सा एनिमल है वो भी ऐसे हल्का हल्का ऊपर नीचे की तरफ घूमता रहता है, तो उनको वो डबल झूले का एहसास होता है। समझ में आया? इससे जो बच्चे हैं वो ऐसे ऊपर नीचे भी थोड़े थोड़े से झूलते हैं और ऐसे गोल गोल भी झूलते हैं, तो दो उनके हो जाते हैं तरीके झूलने के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, मतलब इन दोनों का मतलब इसका और इसका क्या मतलब हुआ। आई क्लाइम्ड अप ऑन द मेरी गो राउंड, मैं मेरी गो राउंड के ऊपर कूदी और वो चला गोल गोल गोल, और वो ऐसे गोल 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 चला। मेरी गो राउंड क्या है? ये पूरा झूला। एंड आई क्लाइम्ब्ड अप, मैं कूदी ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स, इस बिग ब्राउन हॉर्स पे कूदी ऐसे, और ये चला एंड इट वेंट अप एंड डाउन, और ये कैसे चला? अप एंड डाउन ऐसे करके, ठीक है। फिर क्या है? अराउंड एंड राउंड, आस पास और गोल गोल, आस पास और गोल गोल, एंड अप एंड डाउन, और ऊपर और नीचे। अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, तो अराउंड एंड राउंड, आस पास। अराउंड का मतलब क्या बताया? आस पास, और राउंड का मतलब क्या बताया? गोल गोल, है ना। तो अराउंड एंड राउंड, आस पास और गोल गोल, एंड और अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, फिर दोबारा अराउंड एंड राउंड, आस पास और गोल गोल, एंड और अप एंड डाउन, और ऊपर और नीचे, ठीक है, ओके। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट? आई सैट, सेट का मतलब क्या होता है? बैठना। सिट का मतलब क्या होता है? बैठना। ऐसे ही सैट का मतलब भी क्या है? बैठना, ठीक है। हाई अप, मैं ऊपर की तरफ बैठी। देखो यहाँ पे ये हॉर्स के ऐसे यहाँ पे नहीं बैठी है ना, ऊपर की तरफ बैठी है, बिल्कुल उससे टच करती हुई, उसकी जो उसकी नेक है, उसकी नेक से बिल्कुल टच करती हुई ये बच्ची बैठी हुई है, तो वो कह रही है मैं बैठी बिल्कुल ऊपर की तरफ ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स पे, इस ब्राउन वाले हॉर्स पे, एंड रोड अराउंड, और मैं घूमी आस पास, और मैंने मतलब रोड का मतलब क्या होता है? सवारी करना, और मैंने उसकी सवारी की, उसके आसपास की भी, उसके आसपास भी मैं घूमी ऑन द, देखो एंड रोड, और मैंने उसकी सवारी की, है ना, सवारी की, ठीक है। अराउंड ऑन द मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड पे मैंने उसकी सवारी की, मेरी गो राउंड पे, एंड रोड अराउंड, और मैं आसपास घूमी, सवारी की, घूमी, समझे। फिर क्या है? ऑन द मेरी गो राउंड आई रोड अराउंड, ऑन द मेरी गो राउंड, अब ये इस वाले, ये बच्ची इस मेरी गो राउंड पे घूमती है, क्या करती है? घूमती है, सवार होती है, ऑन द मेरी गो राउंड, अराउंड एंड राउंड एंड राउंड। देखो हमने यहाँ पे क्या देखा? आई क्लाइम्ड अप ऑन द मेरी गो राउंड, मैं मेरी गो राउंड पे कूदी, एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड, और ये मेरी गो राउंड कैसे चलेगा? ऐसे गोल गोल चलेगा, राउंड राउंड चलेगा। फिर आई क्लाइम्ड अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स, मैं कूदी एक बड़े से ब्राउन कलर के हॉर्स पे, और वो कैसे चलेगा? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। फिर क्या है? अराउंड एंड राउंड, आस पास और गोल गोल, एंड अप एंड डाउन, और ऊपर और नीचे, अराउंड एंड राउंड, आस पास और गोल गोल, एंड अप एंड डाउन, और ऊपर और नीचे। आई सैट हाई अप, आई सैट हाई अप, मैं ऊपर की तरफ बैठी, मैं ऊपर की तरफ बैठी ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स, इस बिग ब्राउन हॉर्स पे, एंड रोड अराउंड, और सवार हुई आस पास ऑन द मेरी गो राउंड, मैं ऊपर की तरफ बैठी ऑन अ बिग ब्राउन हाउस पे, और सवार हुई अराउंड ऑन द मेरी गो राउंड, इस मेरी गो राउंड के आस पास, एंड रोड अराउंड, और सवार हुई इसके आस पास, ठीक है।
ऑन द मेरी गो राउंड आई रोड अराउंड, इस मेरी गो राउंड पे आई रोड अराउंड मैं सवार हुई आस पास। ठीक है, ऑन द मेरी गो राउंड अराउंड आस पास और गोल 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 एंड राउंड एंड राउंड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये चैप्टर। ये एक मैरी गो राउंड के बारे में है जिसमें एक बच्ची बताती है कि मैं ऐसे गोल गोल इस पे घूम रही थी, मैं बैठी और ये जो हॉर्स है ये ऐसे अप एंड डाउन होता है, फिर मैं इस पे थोड़ा ऊपर की तरफ बैठती हूँ और फिर ये ऐसे गोल गोल घूमता है और मैं इसी तरीके से इस पे आस पास इसके इसके गोल गोल सवारी करती रहती हूँ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। देखो कुछ यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स हैं, कुछ नए शब्द। अराउंड का मतलब आस पास, राउंड का मतलब क्या था हमारा, गोल गोल। ठीक है, डाउन का मतलब क्या, नीचे। इनका मतलब क्या, उसमें। इनका मतलब क्या, उसमें। ऑन का मतलब क्या, पर। ठीक है, आप क्या बोलते हो भाई, जो मेरा पेन है मेरे बैग में रखा है ना, मेरा जो पेन है वो मेरे बैग में रखा है। आप ये तो नहीं बोलोगे बैग पे रखा है, आप ऐसे बोलोगे ना मेरा पेन मेरे बैग में रखा है, तो इन बोलेंगे हम। और अगर मैं बोलूँगी मैं टेबल पे बैठा हूँ तो पर हम बोलते हैं किसके लिए, ऑन के लिए। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना मैं टेबल में बैठा हूँ, तो आप लोग क्या बोलते हो, मैं टेबल पर बैठा हूँ, तो वो क्या होता है, ऑन। ठीक है, आउट का मतलब क्या होता है, आउट करना, आउट बाहर। ठीक है, और राउंड का मतलब क्या होता है, गोल। अप का मतलब क्या होता है, ऊपर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को ये चैप्टर। अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करना, मेरे चैनल को प्लीज़ जो उसके नीचे रेड वाला बटन है उसको क्लिक करना, वो सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग प्लीज़ कमेंट भी करना अगर आप लोग कोई और वीडियो चाहते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।